हेलो लर्नर्स क्लास इलेवेंथ की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ ये डिस्कस कर रहे हैं हम हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी अथॉन्टिसिटी जो अथॉरिटी को क्यों कोई भी एक्सेप्ट करेगा तो उसके हमने टू पॉइंट डिस्कस कर लिए फर्स्ट तो हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ प्रोमलगेशन मोड ऑफ प्रोमोलेशन में क्या था मोड ऑफ प्रोमलिगेशन में था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जो बनाया गया है ये आ, हमारे उन लोगों ने बनाया है जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लो तो ये उन लोगों ने बनाया है जिसकी वैल्यू थी जो लोग उन लोगों ने बनाया जिनकी लोग वैल्यू करते थे और सेकंड पॉइंट ये था सबसिस्टेंटि प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें क्या प्रोविजंस दी गई हैं ऐसी प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सभी को इक्वल equal, इक्वालिटी देती हैं इसीलिए ये आ, सभी इसको फॉलो करेंगे ठीक है तो जो थर्ड आप बोल सकते हो कारण के वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों अपनाएगा वो थर्ड है वो है बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन को अच्छे से समझेंगे चलिए आइए मेरे साथ फिर शुरू करते हैं ग्रुप्स आर ऑफन सबवर्टेड इंटू नॉट बाय द पीपल जो ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूशन आर ऑल्सो सबवर्टेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा भी हो सकता है वो सबवर्टेड हो सकता है लोग ही नहीं और भी कर सकते हैं बट अ स्मॉल ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप भी इसको यानी कि अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं हु विश टू एनहैस देयर ऑन पावर और जैसे कि वो जैसे अपनी पावर चाहते हैं तो वो अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं है ना तो वेल क्राफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेगमेंट पावर इन अ सोसाइटी इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप्स कैन असब वर्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई ये हमारी जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमने बात किया था ना जिसने भी ये हम जो जो भी मेंबर्स थे उन्होंने क्राफ्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उन्होंने पहले ही ये फोरकास्ट कर लिया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज ना किया जा सके वो ठीक है चेंज ना किया जा सके तो वन वे ऑफ सच ए इंटेलिजेंस डिजाइन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंश्योर दैट नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एक और अ ऑफ पावर तो उन्होंने ऐसा तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जो पावर है ना वो किसी एक इंस्टीट्यूशन या एक इंडिविजुअल के हाथ में उन्होंने नहीं दी इट इज ऑफन डन बाय अ फ्रेगमेंटिंग ऑफ पावर फ्रेगमेंटिंग डन के उन्होंने पावर के टुकड़े कर दिए अक्रॉस डिफरेंट स्टीटी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पावर को फ्रेगमेंट कर दिया बांट दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर हॉरीजोंटली फ्रेगमेंटेड पावर अक्रॉस अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक अ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिश्री हॉरीजोंटली जानिए कि ये ऐसे ठीक है ये देखो ए, लेजिस्लेचर ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को ठीक है हॉरीजोंटली अगर हम देखें

Uh, क्या है ये फ्रेगमेंट ऑफ पावर्स हैं जिनको इंस्टीट्यूशन है जिनको institution है, जिनको पावर uh, दे दी गई है और ऐसे भी जैसे कि इंस्टीट्यूशन है जो इंडिपेंडेंट सेचुरी बॉडीज़ हैं जैसे कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है वो तीनों में से किसी के uh, वश में नहीं है दिस इंश्योर दैट इवन इफ वन कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू अब सब वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अदर कैन चेक इट्स आ ट्रांसग्रेशन एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ये भी देखिए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हैं चेक्स एंड बैलेंसेज अगर कोई ये काम कर रही है ये काम कर रहा है तो इसको चेक ये करेगा ये भी कर सकता है यानी कि ये एक दूसरे को चेकअप करते रहेंगे हैड फेसिलिटेटर द सोर्स सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए जो चेक्स एंड बैलेंस के कारण ये फ्रेगमेंटेशन के कारण हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है अनदर इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट है उसके बारे में भी देखेंगे दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट अस्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन अटन वैल्यू नॉर्मस एंड प्रोसीजर एज अथॉरिटीटिव्याजी जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कोई भी ये जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन का उसमें ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट right बैलेंस बनाए रखे किस किस के बीच में एक तो जो सर्टन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर हैं उसके बीच प्रोसीजर्स के बीच में और एट द सेम टाइम अलाउ एन अ फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स ऑपरेशन टू अडोप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सरकमसा तो समय समय के हालात के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस भी किए जा सके इस तरह की प्रो प्रोविजन्स की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई हैं टू रिजिट कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज तो भाई अगर हम ऐसा भी इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ भी चेंज नहीं कर सकता तो ये भी गलत होता क्योंकि समय समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं तो चेंज भी ज़रूरी है द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑन द अदर अदर नो टू फ्लेक्ज़िबिल अगर इतनी भी ज़्यादा फ्लेक्जिबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी कॉन्स्टिट्यूशन में विल गिवन और सिक्योरिटी जिससे कोई भी सिक्योरिटी ना हो प्रडिक्टेबिलिटी और इन आइडेंटिटी टू पीपल ऐसा भी ना हो जब भाई जब दिल करा तो तब चेंज कर दिए नहीं तो इतनी जल्दी भी चेंज कर सकते हैं एक सर्टन प्रोसीजर और वैल्यू के साथ ही आप उसमें चेंज लेके आ सकते हैं बिकॉज चेंज इज़ व लॉफ नेचर समय समय के साथ हमें ज़रूरत पड़ती रहती है इसीलिए चेंज कर सकती हैं मगर हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना फ्लेक्ज़िबल नहीं है अगर ज़्यादा फ्लैक्बल होगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस तो इस जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बैलेंस होता है प्रजर्विंग कोर वैल्यू जिससे वो कोर वैल्यू को भी प्रजर्व करेंगे और अडेप्ट भी करेंगे अगर न्यू सकमस्टांस नए हालातों के साथ कुछ अडेप्ट भी करना है

द इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन अ पॉसिबिलिटी टू चेंज क्योंकि इसमें हम पॉसिबिलिटी भी हैं कि हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं ओके बिटवीन द एंड द लिमिट्स ऑन सच चेंजेस और लिमिट्स भी हैं अभी इसको हम चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो चेंजेस कर सकते हैं और लिमिट्स भी हैं साथ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इन्श्योर डेट इट विल सर्व Survive as a document respected by पीपल uh, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये ऐसा है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं दिस अरेंजमेंट आल्सो इंश्योर दैट नो सेक्शन और अ ग्रुप कैन ऑन इट्स ऑन सब द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा भी अरेंजमेंट बनाई गई है कि कोई भी ग्रुप या कोई भी सेक्शन अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं लेकर आ सकता दे और फॉर इन डिटर्माइंग वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी यू कैन आस्क योर सेल्फ थ्री क्वेश्चन अगर भाई ये आपने डिटर्माइन करना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी के बारे में तो आप अपने से ये क्वेश्चन पूछिए क्या क्वेश्चन पूछने अपने आप से वेयर द वर द पीपल हु द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो क्या क्रेडिबल थे यानी कि उन पर विश्वास किया जा सकता है उनकी कोई वैल्यू थी दिस क्वेश्चन विल बी आंसर इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर तो ये सब इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो चैप्टर हमारा रह रहा है ना इसमें आपको मिल जाएगा सेकेंड सेकेंडली डिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर तो सेकेंड ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंश्योर करता है पावर वाज इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइजिंग सो दैट इट वाज नॉट इजी टू एनी ग्रुप टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव एवरीवन सम रीजन तो क्या हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को एक ऐसा कोई रीजन दे रहा देता है जिससे वो सभी फॉलो करें मोस्ट ऑफ दिस बुक इज अबाउट दिस क्वेश्चन तो ये पूरी बुक ही इस एलेवेंथ क्लास की जो बुक है इसमें सब कुछ यही बताया गया है ठीक है उसको अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही जाएगा ऑल्सो इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन क्या जो लोगों की उम्मीदें हैं एस्पिरीशन हैं उस पर खरा उतरता है कॉन्स्टिट्यूशन द एबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू कमांड व

आएगा ओके okay? तो आई होप ये जो टॉपिक है ये सब टॉपिक है बैलेंस बैलेंस्ड बिटवीन बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन आपको समझ में आ गया होगा थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू